सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी दोस्तों को आज हम आपको जीएस भारत का इतिहास के बारे में बताएंगे। अक्सर कर ये पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है, तो उसका राजबली कथा पुस्तक में किया गया है। मौर्य साम्राज्य के बारे में आज हम आपको लेके चल रहे हैं, बताएंगे मौर्य साम्राज्य कैसे बनाकर क्या हुआ। तो मौर्य साम्राज्य पहले पुराणों में निम्न जाति का कहा गया, पुराणों में से निम्न जाति का कहा गया, बौद्ध जैन में इन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। ठीक है, क्षत्रिय कहा जाता है। अब चलो हम चलते हैं मेन स्टोरी से। चाणक्य, चाणक्य की धनानंद से, मगध के राजा धनानंद से बहस हो जाती है। ठीक है, ये चाणक्य वो हैं जो तक्षशिला के गुरु हैं। इन्होंने चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को गोद लिया, जिसमें 1,000 कारसार्पण, और किसी किसी किताब में कारसार्पण को कारशासन भी कहा जाता है। इसे किताबों में मुद्राक्षा लिखा मिलता है। उसकी लिपि विसाजा दंत होती है। जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह वृषण जाति का था। उसकी माँ का नाम मुर्रा था, जो धनानंद की दासी थी। है जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह वृषण जाति का था। उसकी माँ का नाम मुर्रा था, जो धनानंद की दासी थी, और मुर्रा के नाम से मौर्य कहलाया गया। मौर्य का प्रतीक चिन्ह मोर था। मौर्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? मोर था। अब आज हम आपको लेके चलते हैं चंद्रगुप्त। जो चाणक्य गुरु थे वो चंद्रगुप्त को ले गए थे माता तक्षशिला में। उसकी वहां से सब कुछ सिखाया गया, पढ़ाई और युद्ध के बारे में शिक्षा दी गई। तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है। वह वहां से पंजाब में आकर राजा बना। कैसे बना? छोटे छोटे काफिलों को हराकर। तब उसने अपनी विशाल सेना बनाई तब धनानंद को हराया और भारत का राजा बना। तब उसने भारत पर उसने राज किया 321 ईस्वी से 298 ईस्वी तक। ईस्वी तक तब इसने भारत का राजा बन गया। तब 6 लाख की सेना तैयार की 6 लाख की सेना तैयार की तैयार की तब पूरे भारत को एक कर दिया। अखंड भारत पर राज्य किया। ठीक, वहां का राजा फर्स्ट किंग चंद्रगुप्त राजा कर जाने लगा। अखंड भारत का राजा फर्स्ट किंग कहा जाने लगा। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है अखंड भारत का राजा कौन है तो चंद्रगुप्त है। ठीक है, और फर्स्ट किंग किसने कहा और कहा जाने लगा? किसने कहा? प्लूटार्क ने कहा सबसे पहले। ठीक, अब आया यहाँ पर भारत में एक जगह है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र वहां के जो गवर्नर जनरल थे पुष्यगुप्त एक झील बनाई, उसका नाम सुदर्शन झील है। ठीक है, वो कहां से स्टार्ट होती है? वो कहां से स्टार्ट होती है? ग्रीनगढ़ से निकलती है। ग्रीनगढ़ से निकलती है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में स्टार्ट होती है। आप सभी लोगों को हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद।